इस ड्रामे का इतना अच्छा क्लाइमैक्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप रो क्यों रही है मॉम? संस्कार, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है तो उसका बदला लेना चाहता है, पर कहीं ना कहीं मैं भी तो इन सब में जिम्मेदार हूँ ना। मैं तुम्हारा साथ कभी ना दे पाई, कुछ ना कर पाई मैं तुम्हारे लिए। मारे को लगता है कहीं तुम मारे से भी तो नफरत। मॉम, मॉम प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मॉम, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता। मॉम, हम सब जानते हैं कि इस घर में औरतों की क्या जगह है। इसमें आपका पापा, माँ या उत्तरा का कोई दोष नहीं है। मैं आपको इस सब के लिए कभी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, लेकिन लक्ष्य और दुर्गा प्रसाद, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं उन्हें अपने किए की सजा में जरूर देकर रहूंगा। बस अब आदर्श इंफॉर्मेशन लेके बाड़ी पहुंचने ही वाला होगा। क्या कहना है पुलिस का? अपन लोगों ने नंबर ट्रेस कर लिया है, अब जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। एक बार सच सबके सामने आ जावे ना, बोलती बंद हो जावेगी। सबका मास्टरमाइंड कोई और ही है। इन्होंने तो ऊपर ऊपर का काम किया था, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना और गार्डन को सजाना वगैरह वगैरह। मगर इनसे ये सब करवाया किसने? बता, किसके कहने पर किया ये सब? किसने करवाया ये? किसके कहने पर तूने मेरी बच्ची को अगवा किया है? बोल। बताओ, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, बोलो। माफ कीजिएगा, पर जिसने भी ये सब किया है उस इंसान को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या नाम चाहिए उसका? ये सब हमने लक्ष्य सर के कहने पर किया। ये क्या बकवास कर रहा तू? मैं तुझसे कब मिला?
साहब जी, अब आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। साहब जी, उन्होंने हमें फोन किया था और 50,000 भी दे रहे थे इस काम के लिए। और बाकी का 1,00,000 सबको वीडियो भेजने के बाद देने वाले थे। तू झूठ क्यों बोल रहा है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। लक्ष्य अब संभालिए अपने आप को। अब इन पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया है। इन सब के पीछे आपका हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। आपको ये लड़की चाहिए थी, इसको मनाने के लिए आपने ये सब। तू अपनी बकवास बंद कर। भाई, ये सब मैंने नहीं किया। ये गुंडे झूठ बोल रहे हैं। पापा, सच में मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अब तो सच सबके सामने आ गया ना दुर्गा प्रसाद जी। बड़े समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, समाज सुधारक कहलाते हैं। अपनी औलाद को तो संभाल नहीं पाए, समाज का क्या भला करेंगे? पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? पापा, प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। सोरा, रागिनी, तुम मेरे को तो पता ना, मैं बदल गया हूं। रागिनी, सोरा का बर्थडे का प्लान हम दोनों ने मिलके बनाया था, तो मैं इसका बर्थडे क्यों खराब करूंगा? रागिनी, प्लीज प्लीज रागिनी। स्वरा स्वरा, कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करो। सोचो, अगर मैंने रागिनी का किडनैप करवाया होता तो मैं आज बाड़ी में क्यों आता? स्वरा, मैंने कुछ नहीं किया। दूर हट मेरी बच्ची से, हाथ मत लगाना मेरी बच्ची को। अंकल, मेरी बात तो सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। अंकल, मैं कह रहा हूँ ना अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, के गुंडे झूठ बोल रहे हैं। परा, रागिनी, जैसे मैं गलत नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं ना, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। पापा, ये गुंडे झूठ बोल रहे हैं। अरे, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? स्वरा, रागिनी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। स्वरा, रागिनी, पापा, आप कुछ रुश। चलो घर चलते हैं। रुको दुर्गा प्रसाद, ये
तुम्हारे बेटे ने साबित कर दिया है कि तुम्हारा परिवार इज्जतदार समाज में रहने के लायक ना है। दुर्गा प्रसाद, सुन लो, सारे लोग सुनो और देखो, देखो अपने अध्यक्ष का हाल। ये वही है जिसके कहने पर तुम लोगों ने हमारे परिवार को बेइज्जत करके इस समाज से बाहर निकाला था। आज इसके बेटे ने इसके मुंह पर काले पोत दिए। देखो, दादी क्यों किया आपने ये सब? उन्हें बेइज्जत करके आपको क्या मिला? तू चुप रह छोरी, ये मारा बदला है। याने जो मारे परिवार के साथ किया उसकी सजा है। पर मां लक्ष्य की हरकत ने शेखर बस, अरे को सही और गलत का पाठ मत पढ़ा। तुम्हारे को बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आवेगी। शेखर, ये सही नहीं हुआ। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और हम भी उनके साथ वैसा ही करें तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? बदले से सिर्फ बदला मिलता है, सुकून नहीं। ये कौन है? ये परिणीता भाभी। और ये बड़े पापा। है ना, बड़े पापा है। किसने किया ये सब? बड़े पापा, मुंह काला, काला। संस्कार नहीं, संस्कार मुंह काला, काला।
को सजा दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये कोई साजिश है हमारे खिलाफ। मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये किसी और ने नहीं किया है, हमारे अपने खून ने किया है। आज फिर उसकी वजह से हमारा सर झुका है, लोगों ने हम पर थूका है। और हम लाचार मजबूर बस खड़े देखते रहे। इस बेइज्जती के एक एक पल को हमें हमेशा याद रखना है। ये दर्द हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। बड़े पापा गंदे ठीक मुंह नहीं धोते। नमस्कार। चुप। तू जाता ऊपर लेट जाएंगे। बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते संस्कार। चलो अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ये सब मेरी खुशी के लिए किया था ना। स्वरा, क्या तुमने कभी सोचा कि लक्ष्य इतनी बुरी हरकत कर सकते हैं? स्वरा सिर्फ आई लव यू के ये फीलिंग्स मेरी लाइफ पूरी नहीं होती, ये तब पूरी होगी जब तुम मेरे साथ होगी। स्वरा रागिनी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। रागिनी तुम ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे बिलीव करूं। इतनी कंफ्यूज्ड हूं मैं। मैंने कहा था ना कि जब भी मैं फोन करूं तुरंत उठा लिया करो। एनीवेज आज गुस्से का नहीं, सेलिब्रेशन का दिन है। थैंक यू सो मच।
तुम्हारा साथ नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। अच्छा बताओ कब मिलना है? हाँ ठीक है, ओके बाय।